जब मेरा प्रश्न आज लगा तो मेरे मन में ऐसी खुशी थी जैसे दुल्हन ब्याह करके अपने ससुराल में जाती है। तो बाद में कर लो ना, आप तो ससुराल में वो जब जाके देखते हैं कि उसके घर में तो टॉयलेट ही नहीं है, तो उसकी खुशी तो गायब हो जाती। ऐसी मेरी खुशी उत्तर देख के हुई अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन ये था, मेरे प्रश्न को मैंने ये जानना चाहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र रतलाम में जो जनजाति समाज के मंदिर है महोदय, उन मंदिरों में कोई छत तक नहीं है, उनके जाने के रास्ते नहीं है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो मैंने ये प्रश्न पूछा था, तो मंत्री महोदय जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय, आपने उत्तर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो ऐसा प्रस्ताव कब तक आएगा? आप माननीय सदस्य, मंदिर जो है वह जब राज का मंदिर होता है ना, उसी मंदिर में पुरातत्व विभाग का मंदिर ही केंद्र सरकार काम करा सकती। दो मंत्री जी जवाब। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे जो सम्मानीय सदस्य हैं वो एक बड़े पुराने हमारे मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी भी हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उनको शायद जानकारी में कोई रहा होगा। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि जो रतलाम में दो स्थान है जो राज्य पुरातत्व अभिलेख के तहत है, भारत सरकार के ASI के पास में हमारे पास में कोई भी मंदिर नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको और सदन को बताना चाहता हूं कि विल्केश्वर मंदिर 10वीं और 11वीं सदी का है जो तहसील बिलपाक में है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, वो राज्य पुरातत्व के पास में है। दूसरा है वो महाकाल मंदिर है, वो भी 10वीं और 11वीं सदी का तहसील धराड़ में है, लेकिन वो भी राज्य के पास है। जो सर्वे हमारे ASI का मंदिर डिवीजन करता है, देश में दो सेंटर है, एक भोपाल है एक चेन्नई है, उसमें जो सर्वेक्षण हुए और उनके जिले के जो मंदिर सर्वेक्षण में आए, सर्वेक्षण का मतलब ये नहीं है कि वो ASI की प्रॉपर्टी हो गए, तो पर मैं उनको कहना चाहता हूँ ताकि उनको प्रक्रिया में भविष्य में लिखने में और आगे बढ़ने में सुविधा मिलेगी। शिव मंदिर गुनावर, आप तो पूरे मंदिर में सुनो, देवी सिंह जी, ऐसे पांच इनके क्षेत्र के स्थान है जो मंदिर के सर्वेक्षण में है। मुझे लगता है कि उनको या तो राज्य सरकार को लिखना पड़ेगा या राज्य सरकार हमको कहेगी, तो जरूर हम ASI उसको ले सकते हैं। माननीय सदस्य, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं दो तीन मंदिरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झाबुआ का टेटकी माता मंदिर है, रतलाम का कंवल का माता जी का मंदिर है, गढ़खंड का एक माता जी का मंदिर है, और राणापुर झाबुआ का बाबा देव का मंदिर है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, तो महोदय यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, पहुंच मार्ग हो जाए और यात्री विश्राम गृह जैसा हो जाए। चलो आगे बढ़ो। सुमित्र खान जी, हमें संसद के अंदर प्रश्न पूछने की क्वालिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों माननीय सदस्य, गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा मैं बात को? हमें इस संसद की प्रश्न, अब किसी भी मंदिर के अंदर नल और रोड केंद्र सरकार नहीं बनाती माननीय सदस्य। नल आपको लगाना पड़ेगा अगर वह देवस्थान का नहीं है, और आपको रोड बनाना है तो MP LED से बनाना पड़ेगा अगर देवस्थान का नहीं है तो। ठीक है, धन्यवाद सर। जगदीम्बा पाल जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा नाम सुमित्रा खान जी, एक मिनट सुमित खान जी, धन्यवाद सर। सर मेरा लोकसभा का अंदर बिष्णुपुर कॉन्स्टिट्यूशन का स्थानेश्वर मंदिर 1000 साल पुराना है, तो जब आपका दफ्तर में कोई मेरा जो इंजीनियर, आपका जो इंजीनियर है, डायरेक्टर से फोन करता हूँ तो बोलते हैं 3 महीने का अंदर हो जाएगा, तो ऐसे करके करके 3 साल हो गया सर। मेरा एरिया में जो है स्थानेश्वर मंदिर, स्थानेश्वर बाबा मंदिर, यहाँ पे लाखों लाखों दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन काफी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूछो तो भी बोलता है सर हो जाएगा, लेकिन सर इसके लिए हमारा जो स्थानेश्वर बाबा का मंदिर है वो टूट जा रहा है, उसके लिए पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर मेटेकिंग है। जो हम लोग बोलते हैं MP LED से काम करेंगे, बोलते हैं आपका पैसा का हमारा जरूरत नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा सर। आपसे मेरा विनती है, स्थानेश्वर बाबा का मंदिर बिष्णुपुर से सर कितना दिन में वो रिपेयरिंग हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा।